दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मैं जंतर मंतर पे हूँ और आज हमारे साथ है प्रोफेसर कौशल पवार जी। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जातिवादी जो चल रही है और जातिवादी सरकार में भी जो वर्तमान सरकार है उसमें भी बहुत चरम सीमा पे चल रही है, और जो अनटचेबल वाली बात है क्या वो आज भी है क्या? देखिए, भारत की ये सच्चाई है कि भारत एक जाति प्रधान देश है जी, और मुझे नहीं लगता कि जाति व्यवस्था इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी जी, सर, रही बात जो आपने बोली अस्पृश्यता की, तो अस्पृश्यता है ना हमारे अंदर, बिल्कुल है। आप लेयर्स को उठा के देख लीजिए, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, और एक और प्रावधान पे आगे बढ़ के मैं आपको कहूँगी कि विद इन लोअर कास्ट भी जाति व्यवस्था कायम रखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से जातिवादी मानसिकता अपर कास्ट की और लोअर कास्ट की करती है, ठीक उसी तरह जातिवादी मानसिकता विद इन दलित भी कास्ट काम करती है। आप ये देखिए, इसको इस उदाहरण से समझिए, अभी हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे 35 रोस्टर के आधार पर जो चल रहा है और जो विरोध में आज मार्च हुआ, हमने इसमें एक ग्रुप बनाया हुआ है। मेरे पास फैक्ट है, फैक्ट के आधार पर मैं जवाब देना चाहती हूँ। एक कितने सीनियर दलित आदमी हैं उनको मैंने उस ग्रुप में जोड़ा, जो पूरा एक एकेडमिक का इसको 13 रोस्टर को लेके था। जैसे ही मैंने उसको जोड़ा, उसका पहला सवाल अटैकिंग ये था कि मैडम आपके समाज पर हमें शर्म आती है जी। ये उसकी वर्डिंग थी, कोटेड वर्डिंग, आप चाहें तो मेरा इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका पहला उसने जो मैसेज डाला मेरे ग्रुप में अटैकिंग, क्योंकि मेरे ही ग्रुप था तो अटैकिंग, सीधा एकदम ये कहा कि हमें आपके समाज पर शर्म आती है। मुझे बड़ा हैरानी हुई, मैंने कहा कि, मैंने फिर नीचे लिखा कि हम यहाँ सिर्फ 13 रोस्टर की बात करें, उसके अगेंस्ट में हम बात करें। दूसरा होता था उसका मैसेज कि आई सेम ऑन यू। तीसरा मैसेज किसी ने फिर तुरंत ये कहा कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आप मैडम तो काम करते ही है, कह रहे क्या किया है आज तक आपने अपने समाज के लिए, एकदम सीधा। मुझे हैरानी हुई, मेरे को लगा कि यार ये बंदा मेरे ऊपर सीधा अटैकिंग, ऐसे शेम ऑन यू कैसे कह सकता है। अब बताइए मैंने कौन सा उनका गाय खोल ली जाके, क्या क्या दिखाता है इसको। फिर जो कुछ लोग जो थे जिनको पता था कि ये जो बंदा है ये किस कम्युनिटी का है और किसको कह रहा है, ये कौन सी कम्युनिटी की है, मेरे को तो दुनिया जानती है कि मैं वाल्मीकि समाज से संबंध रखती हूँ, भंगी समाज के हूँ, चूड़ा बोला जाता है जिसको, और साफ सफाई काम करके मैला उठा उठा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, मैं तो मान ही रही हूँ, तो सबको पता है कि मैं किस कम्युनिटी से हूँ। तो सीधा सा एकदम अटैकिंग था, और वो भी कोई अप्रकाष्ट नहीं था। मैं आपको अस्पृश्यता वाला जो आपने सवाल पूछा, अप्रकाष्ट नहीं था वो, हमारा ही अपना दलित था, उसका ये सीधा मेरे ऊपर अटैक था कि आई शेम ऑन यू। तो इससे हम क्या बताएं, अब बताइए इससे क्या समझ नहीं आता हमें। इसका मतलब ये चाहते हैं कि अगर लीडरशिप भी हो तो उन दलितों की हो जो सक्षम है, उन दलितों का नहीं हो जो बिल्कुल आपके नीचे के पायदान पे है। तो एक सवाल है, लेकिन आज मुझे लगता है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि हमें अपनी एकता दिखाने की ज़रूरत है। हमारे जो विभाजन है, उन विभाजन को हटा के, राजनीतिक दलों के वेस्टर्न इंटरेस्ट को हटा के, बहुत सारी चीज़ें हम जीते होते हैं उन सबको हटा के आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये है 13 रोस्टर के खिलाफ। इसलिए मेरा तमाम, मैंने फेसबुक के माध्यम से भी अपील की थी और आपके चैनल के माध्यम से भी, ये जो रिजर्वेशन 13 रोस्टर जैसे फरमानों के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है, ये हमारे लिए खतरनाक है। इसका पोर्जर तरीके से इकट्ठे होके, एकजुट होके, छोड़ दीजिए वाल्मीकिवाद, चमारवाद और धाड़कवाद और कोई भी वाद, हमें आज एक बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें भी जातिवाद हटाने के लिए और समानता लाने के लिए ही बात की थी जी। तो क्या अब जो बहुजन समाज है वो समानता के तौर पे आ रहा है या नहीं आ रहा अभी भी? नहीं, देखिए बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे लोगों की अभी भी ये पीड़ा है कि वाल्मीकि समाज को बहुजन समाज के कुछ तत्व, उनको तो दलित भी नहीं माना जाता, मान नहीं रहे हैं। अब क्या ऐसा हो रहा है कि सबको एक समान मानने की कोशिश की जा रही है बहुजन समाज? नहीं, देखिए बहुजन समाज नहीं, मैं बिल्कुल एकदम आपको, मतलब मुझे साफ गोई से बात करने की आदत है और आपके दर्शकों को मुझे पता है बहुत ख़राब लगेगा अगर मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ तो, लेकिन आप बहरहाल आपने सवाल पूछा तो मैं ये बता दूँ आपको कि ऐसा अभी दलितों के अंदर भी कोई ऐसा एजेंडा है नहीं कि वो अपने
अंतर विरोधों को एक मंच पर लेके आए, समान लेके आए, ऐसा मुझे नहीं नजर आ, ऐसा नहीं नजर आ, नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप देखिए ना, मैंने अभी लेटेस्ट परसों तरसों का ही उदाहरण बता दिया ना आपको, बात हो रही है 13 पॉइंट रोस्ट की, वो मेरे को मेरी औकात दिखा रहे हैं, कौन, हमारे अपने ही दलित ऐसे लोग, तो आप कैसे मान सकते हैं ये? नहीं, पर वो जो जो चंद लोग जो हैं, जो आप लोगों को इस तरीके से बोल रहे हैं, वो शायद हो सकता है कि वो ही इस लायक ना हो, बिल्कुल है, आपको नहीं आना, यही है, यही है, यही है। आप देखिए ना, मैंने इनको लगातार कहा, मैं कहा यार महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन तो दो आप, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो हम अपने ही आंदोलनों में देख लो कहीं ना कहीं अधूरा है, इसको इसके ऊपर भी तो काम करने की जरूरत है। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, एक सीरियल आया था सत्ता में जी, और फिल्म स्टार आमिर खान ने आपका इंटरव्यू भी लिया जी, था जी, जी। और अनटचेबल की भी बात की थी जी। जो वो अनटचेबल आपने उस टाइम पे बयान किया था, वो अनटचेबल आज भी है क्या? बिल्कुल है, अभी भी है, बिल्कुल है। आप देखिए ना, सोशल मीडिया में तमाम जो लोग डाल रहे हैं बार बार कि अनटचेबिलिटी, तो आप केरल की तरफ चले जाइए, साउथ की तरफ चले जाइए, आज भी दलितों को अपना चप्पल पहने के जाने का अधिकार नहीं है, हाथ में उठा के चलते हैं वो लोग, कई सिर पर उठा के चलती हैं महिलाएं। आप देखिए, हमारे पास लगातार ये आता रहता है, बहुत सारा मतलब एविडेंस कि आप जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, ये बहुत तमाम उदाहरण है, अस्पृश्य तो आज भी है और कायम है। देखिए बेसिकली क्या है कि ये प्रबुद्ध जन जो आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ी मात्रा में है, आज भी भारत का बहुत सारा हिस्सा ग्रामीण समाज में रहता है, जहां आज भी दलितों को, अस्पृश्यों को, पंचजन्य को, जिसको आप ऐसी भी नहीं मानते, जिसको एकदम आपने आउट ऑफ क्लास टाइप बिहेव किया हुआ है, वो जब वहां बिहेव करते हैं उनके साथ, तो उनका व्यवहार वैसे ही होता है जैसा हमारा, हम लोग दूसरों के साथ करते हैं। जी। मैं एक अहम सवाल और पूछना चाहता हूँ कि अंतिम प्रोफेशनल नहीं अंतिम मैं एक इसके बाद पूछूंगा, प्रोफेसर कौशल पवार जी, समाज को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं? मैंने एक YouTube चैनल खोला हुआ है, स्वच्छकार समाज की आवाज़, मैंने अपना नाम लगाया हुआ है उसमें, साथ ही साथ डॉक्टर कौशल पवार। उसका मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो देखें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संदेश क्या था, झाड़ू को छोड़ के कलम उठाएं। आज क्योंकि मेरे हाथ में कलम है, इसलिए मैं जापान अभी अप्रैल में जा रही हूँ, कनाडा जा चुकी हूँ, पाकिस्तान जा चुकी हूँ, लंदन जा चुकी हूँ, फ्रांस जा चुकी हूँ, अमेरिका कई बार जा चुकी हूँ, तो आपको झाड़ू को छोड़ने की ज़रूरत है और आगे कलम को उठाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि हम गालियाँ तो दे देते हैं कि चमार आगे निकल लिया, फला आगे निकला, डिकड़ा आगे निकला, उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी है। मेरा समाज अभी तक झाड़ू तक ही सीमित है, वोट की राजनीति झाड़ू तक ही सीमित है उनकी, बड़ी राजनीति वो नहीं कर रहा अभी, इसलिए मेरी मुहिम मैंने यही छेड़ी हुई है कि आप झाड़ू को छोड़ के आगे तक की राजनीति करिए। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि झाड़ू छोड़ के हमें कलम की तरफ आना चाहिए, जब तक आप कलम हाथ में नहीं लेंगे। पर अगर कोई वैकेंसी अगर खाली होती है और वो स्वीपर की अगर वैकेंसी खाली होती है, तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 रुपए उस नौकरी को पाने के लिए वो घूस देने के लिए भी तैयार है, क्या इस चीज को भी हटाना नहीं चाहिए क्या? कि हमें महिला उठा के महिला हमें छोड़ना चाहिए और अच्छा स्वच्छ चीज हमें लेनी चाहिए। देखिए, बहुत गहरा सवाल आपने पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी इतना ही रेलिवेंस है। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये तो कह रहे हैं आप झाड़ू मत उठाओ, झाड़ू की नौकरी मत करिए, महिला मत उठाओ, उसमें मत उतरिए गटर में, लेकिन विकल्प क्या दे रहे हैं हम समाज को? उस समाज को हमने विकल्प को कुछ नहीं दिया ना, रोजी रोटी कैसे चलेगी? आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि जो गांव देहात में जो महिलाएं जो काम करती हैं, जो आइडेंटिफाइड है, पुरुष जो काम करते हैं वो आइडेंटिफाइड है, अगर वो दूसरा काम करेंगे तो उसको काम मिलता ही नहीं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं। नहीं, पर एजुकेशन लेंगे तो शायद कुछ और काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं तो फर्मली कह ही रही हूँ कि एजुकेशन का रास्ता अपनाने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि वो जो झाड़ू की नौकरी करने के लिए जो आवेदन कर जाते हैं और कहीं कहीं लाखों रुपए भी उसके लिए देते हैं, उसमें अंतर को समझिए ना। जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है तो उनको ये लगता होता है कि झाड़ू की नौकरी सही, कम से कम नौकरी तो मिलेगी ना, पेट का सवाल है बेसिकली, अदरवाइज कोई भी गटर में मरना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन जब बच्चों का पेट पालने की बात आती है तो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह, मेरा संदेश है ये अंतिम रूप से, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, लगातार
कंटिन्यूसली हम बोलते आ रहे हैं। मैं संदेश भी देना चाह रही हूँ कि आप भूखे मर जाइए ना, कितने दिन मरोगे आप लोग? जब 7 दिन नवरात्रे के व्रत में भूखे रह सकते हैं तो आप इसमें क्यों नहीं रह सकते? व्रत की तरह ले लीजिए, जब आपके पास रोटी आए तब खाइए, मत उतरिए गटर में, मत काम करिए। लेकिन फिर भी विकल्प हमारे पास नहीं है, मैं ये अपनी कमजोरी मान रही हूँ, हम लोग उनको विकल्प नहीं दे पाए। एक आखिरी सवाल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने शिक्षित बनने और बनाने की भी बात की जी, हमारा वाल्मीकि समाज जो है वो शिक्षा की ओर बहुत कम जा रहा है, क्या बाबा साहब को आज वो मान रहा है? नहीं देखिए, इसमें ना बड़ा पेचीदा सवाल है। बेसिकली क्या है ना कि हम इसलिए हम लोग बार बार हरियाणा में और कई जगह पे पंजाब में भी है विद इन SC रिजर्वेशन की मांग करते हैं, SC का A और B कैटेगराइज करके, ताकि वो लोग जो पढ़ लिख चुके हैं उनको भी आगे आने का अवसर दिया जाए। मैं इसका बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि विद इन रिजर्वेशन हमें रिजर्वेशन लागू करनी चाहिए। रिजर्वेशन लागू जी। आप युवाओं को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? झाड़ू को छोड़ के कलम उठाइए, और कलम से इतिहास लिखा गया है, इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जा रहा है। हमारे साथ ही कौशल पवार जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत की प्रोफेसर है, बता दूं कि उन्होंने एक मैसेज और दिया है कि झाड़ू छोड़ के अगर आप कलम उठाएंगे तो कलम से ही इतिहास लिखे गए हैं, झाड़ू से कभी भी इतिहास नहीं लिखा गया, और इस मोदी सरकार को इस कलम से ही और इस झाड़ू से ही हटाना पड़ेगा जब इस देश का उद्धार होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिलिंद गौतम, दिल्ली जंतर मंतर से।